सो हे गाइस, मेरा नाम अनुप एंड यू आर वॉचिंग करेज टेक। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम हमारे देश में चारों तरफ कोविड फैला हुआ है। एंड गाइस, इसी की वजह से गाइस जो ऑक्सीमीटर के जो प्राइस है वो एकदम हाई हो चुके हैं। गाइस, जो ऑक्सीमीटर पहले हमें 1000-1200 तक का मिल जाता गाइस, इस टाइम उसके ब्लैक मार्केटिंग की वजह से वो भी हमें 2500-3000 तक का मिल रहा है। सो गाइस, यही सारी चीज़ें देखते हुए हमारे डेवलपर्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कि आप अपने जो घर पर बैठे बैठे अपने फ़ोन से ही अपने बॉडी का SpO2 एंड गाइस जिसकी हार्ट रेट जो पल्स है गाइस वो आप घर पर बैठे बैठे मीटर कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में गाइस मैं तो आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले गाइस आपको एक ऐप डाउनलोड करना है गाइस, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है गाइस। इस वेबसाइट का नाम है क्रिप्लिक्स वाइटल्स एंड गाइस, इस वेबसाइट की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन से ना डाउनलोड कर पाए तो इसकी डायरेक्ट लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें हम ये तीन चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसे हम SpO2 भी कहते हैं। एंड गाइस, अगर हम बात करें इसके डेली स्कैन एंड डेली यूजेस के, सो गाइस इसका एनालिटिक्स है जिसे आप देख सकते हैं। एंड गाइस, अगर हम बात करें इसे डाउनलोड कैसे करना है, सो गाइस सबसे टॉप पर आपको डाउनलोड ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाए, जिस पर आप क्लिक करेंगे देन गाइस इसकी डाउनलोड लिंक आपको यहाँ नीचे मिल जाएगी। एंड गाइस, ये आप यहाँ हमारे iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। सो गाइस, यहाँ पर आपको बस आपको जो भी आपको सेलेक्ट करके एंड गाइस उसे डाउनलोड कर लेना है। बट गाइस, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके एंड गाइस अपने डिवाइस में से इंस्टॉल भी कर रखा है। सो चलिए गाइस, एक बार मैं पहले आपको उसे दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये देख सकते हैं गाइस, ये रहा हमारा वो ऐप। एंड गाइस, जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हैं, सो गाइस ये स्टैंप लगा हुआ है एंड बता रहा है कि हमारा क्लिनिकली सर्टिफाइड ऐप है। देन गाइस, आपको इसे यूज़ करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आके आप अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट गाइस, मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसकी कर रखी है। सो मैं पहले यहाँ सिंपल जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ, देन गाइस उसके बाद आपको बताता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमने इसे यहाँ लॉगिन कर लिया है। गाइस, लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लॉग वाइटल्स, हिस्ट्री वाइटल्स, एनालिटिक्स एंड गाइस स्कैन वाइटल्स। एंड गाइस, अगर आपने अपने डिवाइस में अगर कोई कवर लगा रखा है, तो गाइस अगर आप इस कवर को रिमूव करके अगर इस मेथड को ट्राई करते हैं, तो गाइस वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो वेट, मैं पहले जल्दी इस कवर को यहाँ रिमूव कर देता हूँ। देन गाइस, इसे रिमूव करना है, देन गाइस आपको लास्ट में चले जाना है स्कैन वाइटल्स में। एंड गाइस, यहाँ पे गाइस ये देख सकते हैं गाइस, ये बता रहे हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। देन गाइस, आपको यहाँ पे स्टार्ट स्कैन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे उस पर क्लिक करेंगे, सो गाइस आपके फोन के यहाँ पे फ्लैश एंड जो गाइस आपके डिवाइस जो कैमरा है गाइस, वो दोनों यहाँ पे एक साथ ऑन हो जाएंगे। गाइस, जैसे कि आप यहाँ डिस्प्ले पे यहाँ छोटे से में देख भी सकते हैं। एंड गाइस, उसके बाद आपको अपनी फिंगर से फ्लैश एंड गाइस कैमरा गाइस इन दोनों को एक साथ कवर कर देना है गाइस, इस तरह से। गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, सेम आपको गाइस इस तरह से कवर कर देना है। एंड गाइस, ज़्यादा आपको टाइटली नहीं करना है। एंड गाइस, नीचे आप देख सकते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ जो कि इसकी परफेक्ट दिखा रहा है। देन गाइस, ये थोड़ी देर में गाइस ये आपको मेजरिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइस, ये टोटली आपको 30 सेकंड्स लगेगा इसे मेजर करने में। सो गाइस, आप इसे ज़्यादा टाइटली प्रेस ना करें। तो चलिए गाइस, जल्दी से इसे पहले कंप्लीट होने देते हैं। सो गाइस, अब जो इसकी स्कैनिंग है जो है कंप्लीट हो चुकी है। एंड गाइस, ये हमें सिलेक्ट पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है। सो मैं यहाँ रेस्टिंग का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमें यहाँ रेस्ट मोड में थे। देन गाइस, आप इसका हार्ट रेट देख सकते हैं, हमें यहाँ 106 आ रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 99 आ रहा है एंड गाइस इसका रेस्पिरेशन रेट 21 आ रहा है। एंड गाइस, ये रीडिंग काफ़ी हद तक एक्यूरेट रहती है, बट गाइस इसे हम 100% भी एक्यूरेट नहीं कर सकते। तो गाइस, मैं यहाँ ऐड हिस्ट्री कर देता हूँ। एंड गाइस, मैं न्यू स्कैन का भी ऑप्शन आ रहा है, जिससे हम यहाँ से न्यू स्कैन भी कर सकते हैं। सो गाइस, ऐड हिस्ट्री करने का गाइस ये आपकी हिस्ट्री यहाँ पर शो करेगा गाइस, जब भी आपने यहाँ पर स्कैन किया हो। सो गाइस, इस रीडिंग को गाइस यहाँ कंफर्म करने के लिए गाइस हमारे पास यहाँ एक ऑक्सीमीटर भी है। सो गाइस, पहले हम उसमें भी अब चेक कर लेते हैं, देन गाइस उसके बाद हम चेक करेंगे कि गाइस ये हमारे कितना तक सही था और गाइस कितना तक गलत था। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे माइक्रोटेक का ऑक्सीमीटर है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम अपने फ़ोन में देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि हमारा SpO2 था गाइस वो कितना था। तो गाइस, इसमें हमारा जो SpO2 था गाइस वो 99 था एंड गाइस इसमें हार्ट रेट हमारा 106 था। तो चलिए गाइस, पहले से ऑन करते हैं एंड गाइस अब इसमें फिंगर में इसे लगा के देन से चेक करते हैं कितने हमारी इसमें रीडिंग आ रही है। तो गाइस, ये देख सकते हैं गाइस, जो उसका SpO2 लेवल का इसमें 98 बता रहा है एंड गाइस में पल्स रेट जो मॉनिटर का वो 95 बता, जो कि गाइस ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा था गाइस ये फुल्ली एक्यूरेट नहीं कह सकते, बट गाइस काफ़ी हद तक यहाँ पे एक्यूरेट रहता है। सो गाइस, अगर हम बात करें क्या इस ऐप को पे डेली यूजेस में ले सकते हैं अपना हार्ट रेट या फिर SpO2 लेवल मेजर करने के लिए, सो गाइस मैं आपको यहाँ रेकमेंड नहीं करूँगा। बिकॉज गाइस, जब आप इसे अपने मेजर कर रहे होते हैं, सो गाइस उस टाइम आपको यहाँ फ्लैश की वजह से आपको जो कैमरा है गाइस वो काफ़ी हद तक यहाँ पे हीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ फिंगर यहाँ पे जल भी सकती है। सो गाइस, इसे आप डेली यूजेस में ना लें। एंड गाइस, अगर आपको डेली दिन में 1 या 2 बार चेक करना है, सो गाइस उस कंडीशन में गाइस आप ये ऑक्सीमीटर ले लें गाइस, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, इस तरह चाहे तो गाइस अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस का जो अपने SpO2 लेवल या हार्ट बीट का ये इजीली मेजर कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल करेज टेक।